हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2017 बी पास्ड, ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट नो, आई थिंक आईज हैव इट एंड द मोशन इज अडॉप्टेड एंड कॉन्सिक्वेंटली द बिल इज पास्ड। हुकूमत की कोशिशें रंग लाई, कौमी असेंबली में हल्का बंदियों से मुतालिक आइन में तरमीम का बिल मंजूर, बिल वजीर कानून जाहिद हामिद ने असेंबली में पेश किया। 7B और 7C असल हालत में बहाल, कादियानी अहमदी या लाहौरी ग्रुप का आइन में दर्ज स्टेटस बरकरार। इलाके बुलेदा में कत्ल होने वाले 15 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गई। मैयतें खसूसी तैयारों के जरिए लाहौर। सूबाई वजीर राना मशहूद ने एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। लाहौर रवानगी से कबल क्वेटा में नमाज जनाजा में वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी समेत आला हुक्काम शरीक हुए। मुजावाला रिवीजन से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार, मुलजमान तनवीर समरियाल और जफर इकबाल वजीराबाद से गिरफ्तार, मलिकवाल से अब्दुल वहीद उर्फ मोहम्मद खान भी जेर हिरासत। तुरबा से 15 अफराद की लाशें मिलने के बाद बलोचिस्तान हुकूमत मुतहरिक, वजीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत सिक्योरिटी कौन इजलास में कमांडर सदर्न कमांड आसिम सलीम बाजवा समेत दीगर हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दी, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कोयटा में कायम मकाम SP इलियास और अहले खाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर बलोचिस्तान और गुजरा IG पुलिस और दीगर हुकाम शरीक। गुज़िश्ता रोज नवाकली में दहशत गर्दों की फायरिंग से कायम मकाम SP इलियास, उनकी अहलिया, बेटा और पोता जाँ बहक हो गए थे। स्पीकर अयाज सादिक की पार्लिमानी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM के तहफुजात हैं जिन पर बात करेंगे। फारूक सत्तार बोले, शफाफ मर्दमशुमारी के बगैर मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। साद रफीक ने MQM तहफुजात को मुश्तरक मफादात कौंसिल में ले जाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से चौधरी निसार की मुलाकात। चौधरी निसार कहते हैं धरने के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना है, आवाम को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हुकूमत से मसले के हल के लिए फौरी इकदामात का मुतालबा कर दिया। वजीर खजाना की मुश्किलात कम ना हुई, नैब ने वजीर खजाना हिसाबदार का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद कदम उठाएगा। लब्बैक के धरने से जुड़वां शहरों में नवे रोज भी निजाम जिंदगी मफलूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद तहरीक लब्बैक ने धरना खत्म ना किया। खुदा का खौफ करें, मामला अदालत में आ गया है। जस्टिस शौकत अजीज के रिमार्क्स, कहा नेकी का काम गलत तरीके से किया जाए तो ये भी गलत है। मुजाहिरीन कानून की पाबंदी करें, वजारत दाखिला का नुमाइंदा, IG पुलिस और जाती हैसियत में अदालत तलब। अल्लाह हम पर भी रहम करेगा और जो हमने एक तरक्की का एक दौर शुरू किया था इंशाअल्लाह वो मुस्तकबिल में और भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा।
तमाम मामला दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। तरक्की का सफर पहले से ज्यादा जोर से जारी रहेगा। मुल्क कौम की खिदमत करते रहेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस यज्जा करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने समाअत की। एहतसाब अदालत नैब रेफरेंसेस यज्जा करने की दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद कर चुकी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिम्मेदारियां पूरी की। अफगानिस्तान में मौजूद अफवाज को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहिए। आर्मी चीफ ने अमरीका को वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल जोसेफ की मुलाकात में इलाकाई सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान इंतखाबात में शिकस्त का खौफ है। वो सेनेट इंतखाबात से पहले असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं। एहसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू। बोले सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले काबिले फख्र नहीं। नवाज शरीफ तहफुजात के बावजूद अदालत में पेश हुए। सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया गया। सदर ममनून ने आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत इजलास बुलाया। पीएसपी मुल्क भर में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है। पीएसपी रहनुमा रजा हारून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में सियासी खला नजर आता है। रॉ की सरगही आती। बलूचिस्तान और कराची के हालात आवाम से छुपाना भी जुर्म के मुतरादिफ है। जबू हाली का शिकार। हुकूमती गफलत या इंतजामी की ना अहली। मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। आज न्यूज बना मुलाजमीन की आवाज। चंद लोगों ने इदारे को तबाह कर दिया। इदारा 2008 के बाद से जवाल पजीर। मुलाजमीन फट पड़े। आज न्यूज की खबर। कराची में आयशा मंजिल के करीब शादी हॉल की गैर कानूनी तामीर की खबर पर महकमा एंटी करप्शन हरकत में आ गया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करके 2 रोज में तमाम मुतालिका अफराद और अफसरान को पेश होने की हिदायत कर दी। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का चले आया। वजीर आला हाउस में सेक्रेटरी सेहत और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुजाकरात कामयाब। वजीर आला की जायज मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी। मिट्टी में गजाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवामा हलाकतों की तादाद 20 तक जा पहुंची। इलाके में हुकूमती इकदाम ना होने के बराबर। फैसलाबाद में पैरामेडिकल स्टाफ का अस्पतालों के निजकारी और दीगर मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कैनाल से 2 नायाब नस्ल की डॉल्फिन्स को रेस्क्यू कर लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले ने रेस्क्यू की जाने वाली दोनों डॉल्फिन्स को दरियाए सिंध में छोड़ दिया। सियालकोट में बस कंडक्टर का स्पेशल बच्चों पर तशद्दुद। फुटेज मीडिया पर आने के बाद इंतजामिया मुतहरिक। कंडक्टर मजहर गिरफ्तार। स्कूल पॉइंट ड्राइवर और प्रिंसिपल मुअत्तल। तफ्तीश का आगाज। खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। रहमत और नेमतों के घर आने पर अहले खाना खुशी से निहाल। समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया। स्वात, अहमदाबाद और हजारा डिवीजन में बर्फबारी। नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में डेरे।
अफगानिस्तान में काबुल के इलाके लबजार में रेस्टोरेंट में धमाका, 9 हलाक मुताबिक। के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा, धमाका मुमकिन तौर पर खुदकुश हो सकता है, अफगान मीडिया का दावा। माहिरीन फलकियात ने जमीन के हजम का एक ठंडा सैयारा दरियाफ्त कर लिया, सैयारा जिंदगी की तलाश का साबित हो सकता है, साइंसदानों का इंकशाफ। दुबई के पुल और स्टॉप बनेंगे 3D प्रिंटिंग से, पुल 2 टन तक वजन बर्दाश्त कर सकेंगे। दुबई हुकूमत का सिटी बनाने की जाने में एक और कदम।